अखिलेश यादव ने हिटलर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की। 10 साल हिटलर का भी समय था और इनका भी 10 साल हो गया। सुनिए, उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। तो हिटलर से पीएम मोदी की तुलना की अखिलेश यादव ने और अखिलेश के विवादित बयान पर घमासान। बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया है। जो पीएम मोदी की तुलना अखिलेश ने हिटलर से की उस पर बीजेपी ने पलटवार किया। तो अखिलेश के विवादित बयान पर घमासान मचा, बीजेपी ने अखिलेश के बार पर पलटवार किया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है अखिलेश यादव जी की हताशा बढ़ती जा रही है। अलायंस पार्टनर एक एक करके छोड़ गए, सुभाषपा ने छोड़ दिया, आरएलडी ने छोड़ दिया, अब सहारा नहीं मिल रहा है, हताशा में मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को हिटलर कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है इसका खामियाजा अखिलेश यादव जी को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें अब आने वाली तो थी नहीं, मार्जिन और कम हो जाएगा, जमानतें और जगहों पर जब्त हो जाएंगी। बेहतर होता कि मौन साध करके रहते, लेकिन यह संयम अखिलेश जी में नहीं है, वो हताशा के दौर में जा चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है अखिलेश यादव जी की हताशा बढ़ती जा रही है। अलायंस पार्टनर एक एक करके छोड़ गए, सुभाषपा ने छोड़ दिया, आरएलडी ने छोड़ दिया, अब सहारा नहीं मिल रहा है। तो राकेश बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनकी तरफ से क्यों ये पलटवार किया गया? तो उसकी वजह थी क्योंकि तुलना की है पीएम मोदी की हिटलर से अखिलेश यादव ने। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं वो। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया।